पुलिसकर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि पुलिसकर्मियों की गंभीर घायल हुए हैं और पत्रकारों की गाड़ी भी चली जाएंगी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। सब एक्टिंग का इलाज चल रहा था और लगातार अभी तक ये कहा जा रहा है कि तैयारी की पहले से पूरी प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग मान अचानक से इतने सारे पत्थर कहां से आए? बिल्कुल चार बजे घटना है, 4:30 बजे टूटा था, उसके बाद 4:45 पर पथराव शुरू हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग से ये घटना घटी गई है और इसके सारे जिम्मेदार बनबलपुरवा निवासी हैं जिन्होंने जो पथराव किया है और जो पेट्रोल पंप फेंके हैं। तो ये अवैध कॉलोनी है? बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। उसमें हाईकोर्ट का आदेश तोड़ने का आदेश गया था, 3:35 बजे तोड़ने का आदेश था, 4:30 बजे पर तोड़ दिया था, उसके बाद तुरंत उन्हें पथराव कर दिया था। तो ये लोग कहाँ से आगे बसे हुए? अब ये तो ये लोग जानेंगे कि कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें सत्यापन भी नहीं है यहाँ पर, ना इनकी आईडी है, ना यूपी के बसे आके, और वो इलीगल जगह है वो, और इलीगल में उन्होंने कब्जा कर रखा था, गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की कब्जे कर रखा था, उसको लेकर कल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे की जगह लेने पहुंची, उनको उन्होंने पथराव कर दिया। डीएम ने जो है उन्होंने कहा है कि जब हम वहाँ पे हमने जांच की तो हमने पाया कि किसी प्रकार कोई रजिस्टर्ड जमीन या मकान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 50 रुपए पट्टे पे जमीन है केवल, वो बेची जाएगी, जो नगर निगम की जमीन है वो अवैध है, उन्होंने कब्जे में कर लेना चाहा, उसको ना ले जाने के चक्कर में पथराव और गोलीबारी की। मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को थाने में अंदर बंद करके थाने को जलाने की कोशिश की गई। नहीं, थाने में आग लगाई, बंदूक थाना जो उसमें आग लगाएगी और जो गाड़ी है गंगा नियंत्रण वाहन उसमें आग लगाएगी और पेट्रोल पंप भी फेंके उन्होंने और गोली हवाई फायर भी करे और 2-3 शायद गंभीर रूप से हवाई फायर में घायल भी हुए। आपको भी गंभीर रूप से चोटें आई? ये मेरा फ्रैक्चर है पैर में और ये हाथ में लगा। नमस्कार। ഹൽദ്വാനയിൽ ഇസ്ലാമിക ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള മുകേഷ് സക്സേനയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടത്. ഹൽദ്വാനി ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതെന്താണെന്നാൽ ജിഹാദികൾ നടത്തിയ ഈ ഒരു ആക്രമണം അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു, ആക്രമണത്തിന് അവർ തയ്യാറായിരുന്നു. അല്ലാതെ അനധികൃത കയ്യേറ്റത്തിനെതിരായ പോലീസ് നടപടിയുടെ പ്രതികരണം എന്നോണം നടത്തിയതല്ല ഈ പ്രകടനങ്ങളും ഈ ആക്രമണങ്ങളും ഒന്നും. അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തികച്ചും കള്ളമാണ്, വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതുമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്, ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്.